हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज का व्लॉग डायरेक्ट जिम से शुरू हो रहा है और वर्कआउट शुरू कर दिया था, इसलिए आप लोगों को पसीना लग रहा होगा। सुबह मॉर्निंग में कार्डियो बढ़ाना है क्योंकि 40 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 6 अगस्त से हम लोगों ने शुरू किया था और पहला जो वीडियो शूट किया था 6 अगस्त से शुरू किया था, तो 7 अगस्त से शुरू किया था। तो उसका जो है वीडियो की डिटेल्स भी डालेंगे आगे चल के। अभी क्या 40 दिन कंप्लीट होने के बाद, चूँकि हम लोग दूसरे महीने में ट्रांसमिशन के दूसरे महीने में एंटर कर चुके हैं, तो डाइट से लेके वर्कआउट से लेके सब कुछ चेंज करेंगे। थोड़ा सा इंटेंस वर्कआउट शुरू करेंगे और वैसे तो इंटेंसिटी की कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कार्डियो बढ़ाएंगे क्योंकि कार्डियो थोड़ा सा कम पड़ रहा था। तो अभी क्या है कि मॉर्निंग में 20 मिनट ट्रेडमिल हो चुकी है अपनी, सॉरी 15 मिनट ट्रेडमिल हो चुकी है। अभी 45 मिनट कार्डियो और करेंगे, एब्डोमिनल करेंगे, लेग का थोड़ा थोड़ा मारेंगे और धीरे धीरे देखते हैं मॉर्निंग और इवनिंग का शेड्यूल धीरे धीरे से फिर से डिज़ाइन करेंगे। और चलो चलते हैं, अभी देखते हैं कैसा क्या चल रहा है अंदर। सो 60 क्रंचेस करने के बाद उसके बाद 60 लेग रेस करा और 20 मिनट ट्रेडमिल किया, ट्रेडमिल थोड़ी सी बढ़ानी है। और उसके बाद जो है साइकिल किया लगभग 15 से 20 मिनट करके उसके बाद। तो आज का वर्कआउट हो गया, अब चल रहे हैं घर। मील ऑफ द, तो आई थिंक सेकंड मील ऑफ द डे का टाइम हो गया। अभी 5 से 6 अंडे खाएंगे, अंडे को स्प्लिट कर रहे हैं, 4 से 5 एक बार में चले जाते हैं, 6 नहीं जा पाते हैं, तो 5-5 करके 2 से 3 बार करेंगे क्योंकि डाइट भी थोड़ी सी अब प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। और ये वाला महीना जो नेक्स्ट मंथ होगा उसको बहुत खूबसूरत जाना चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स होने चाहिए। तो चलो अभी एक खाते हैं, फिर देखते हैं आज की पूरे दिन की डाइट कैसी क्या रहती है। वर्कआउट की बात करें तो बढ़िया हुआ है, कार्डियो हुआ, 20 मिनट ट्रेडमिल हुई है। चलो चलते हैं। एक अंडे की ट्रे ले ली है और 7-5 बॉयल एग्स ले लिए जो घर पे खाएंगे। तो सब सामान वामान ले के घर पहुँच चुके हैं, अब चलते हैं। पहले 5 जो एग बॉयल कराए थे ले के आए, वो खाते हैं चल के क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। आज चूँकि मॉर्निंग में एप्पल नहीं खाया था तो दोपहर में खा रहे हैं क्योंकि डाइट में इंक्लूड। अब एग खा लेते हैं, उसके बाद एग के बाद बॉयल चिकन विद राइस का टाइम आएगा, चूँकि वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे है। और लमसम 2 घंटे बाद बॉयल चिकन विद राइस खा के और अच्छा खासा कार्ब्स और प्रोटीन इंटेक करके जिम चलेंगे। तो सीधे बस सेकेंड शिफ्ट में आ गए हैं, भाग के आना पड़ा क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था और अमन यहाँ पे वेट कर रहा था। तो अभी आ गए हैं, इसके बाद आज लेग्स करनी है। पहले लेंगे प्रोटीन, ब्राउन ब्रेड और एक केला, और उसके 1 घंटे बाद प्री वर्कआउट लेके बेहतरीन अपन लोग लेग्स करेंगे। सो जिम तो आ गए थे 4 बजे, लेकिन जो है अपना वर्कआउट नहीं शुरू हुआ था, बहुत लेट हो गया है आज। वेट करते रहे तो कोई आया भी नहीं, तो अब शुरू करने जा रहे हैं लेग्स स्क्वाट से और करते हैं चलो शुरू, और कैसा क्या रहता है अपडेट करते हैं। तो एक्सरसाइज के बीच में जो है अभी बर्थडे बॉय से मिल लेते हैं, क्या सीन है? सीन भैया, सब लोग, सब जितने व्यूअर्स हैं सब हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, थैंक्स बोल दो। थैंक यू सो मच। सब लोग कमेंट जरूर करना हैप्पी बर्थडे देवेंद्र को। हाँ हैप्पी बर्थडे बोल दो उसको। तो जो है देवेंद्र का केक कटने जा रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आ जाओ, कहाँ गया? Happy birthday to you. Happy birthday.
अरे संदीप भाई क्वालिटी बहुत अच्छी है फोन की। अरे शाहिद भाई आप ही आ जाओ ना, आप ही आ जाओ। नहीं नहीं शू कैसे नहीं, आप आओ भैया, आपने फिर से गाड़ी बना दें। अभी फोटो सेशन चल रहा है, सुधीर भैया ने भी बहुत सारे फोटो खिंचवा लिए। अच्छा आप सबको जो है केक दे दो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि केक मिल जाए उसके बाद शुरू करें वर्कआउट अपना। विनोद सबको केक दो पहले। केक अब कट चुका है, इसके बाद अपनी दो एक्सरसाइजेस रह गई थी, लेग एक्सटेंशन कर और लेग प्रेस, देखते हैं करते हैं कि नहीं। तो उसके बाद शुरू करते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट जो रह गया हल्का सा कार्डियो करेंगे, एब्डोमिनल मॉर्निंग में भी करा था इवनिंग में भी करेंगे, और थोड़ा सा आज केक भी खाया है। तो चलो चलते हैं। आई मस्ट एग्री कि गैप दे के वर्कआउट नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि आज गैप हो ही गया है, लेकिन उसके बाद 100 लेग एक्सटेंशन और 100 लेग कर्ल मारे हैं। सो हम लोगों का वर्कआउट हो गया था, अब निकल रहे हैं घर, लास्ट मील ऑफ द डे का टाइम हो गया है। बैग में जगह नहीं थी, पूरा का पूरा बैग ये देखो दिख रहा हो अगर तो फुल हो चुका है, तो टॉवल गले में टांग लिए। और एक चीज़ और कहेंगे, सारे जिम मेंबर जितने भी हैं कहीं पर भी हैं, टॉवल ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही ज़रूरी नेसेसिटी है जिम की, क्योंकि हाइजीनिक थोड़ा सा रहता है। अब खैर चलते हैं जिम, सॉरी चलते हैं घर।